औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा चैनल देख रहे हैं 11 न्यूज़। 11 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नसरुल्ला। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग आज मौजूद हैं। इनके साथ एक वाक़या पेश आया था, वो वाक़या पूछते हैं आखिर वो वाक़या पेश आया कैसे और अंकल जी भीख मांगने पे मजबूर कैसे हुए। सारी स्टोरी आप हमारे इंटरव्यू में सुनेंगे। अब हम चलते हैं बुज़ुर्ग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं कि वाक़या आपके साथ पेश आया कैसे आकर? मजदूरी करने में एक्सीडेंट होया है, लत जोड़ी कहीं नहीं, ना पैसे आन, वह मजबूर थी तो मैं भीख मंगन टुर पिया। करण वाला है का ना कहीं, तो एक अम्मा है एक बेटा है, वह मजबूर थी तो टुर पिया। शेल पंप के सामने राना मैं जी जी अड्डे थे, तो वो कहीं टाइम रोटी पिछले टाइम दे देन शाम को, सवेरे ही में वधरा ना, कहीं पानी दिता, कहीं चाह दीती ना, तनी निभाते 300 रुपया बढ़ाते वाला वाल ना। अच्छा, आप रहशी कहाँ के हैं? रहशी जिला भवलपुर जी, ते मुबारकपुर। अच्छा ये बताएं कि आपके बेटे या बेटियाँ, कोई बच्चे आपके कितने हैं टोटल? टोटल एक बेटा है। अच्छा एक बेटा, वो क्या काम करता है? वो भट्ठे से मजदूरी करता है। अच्छा भट्ठे पे काम करता है। आपके कोई बहन भाई, कोई माँ वगैरह? माँ है। अच्छा बहन है तो बेवसी है, वो बंदे वो जरेन तिखे ने वो कह नहीं आवाने दे। भाई है तो भाई गुंगा है। अच्छा आप इतनी दूर से या मुल्तान में कैसे पहुँचे यहाँ पे? ये काम आपने कब से शुरू किया भीख मांगने वाला? ये बस थी गन तकरीबन 4-5 दिहाड़े थी गन मेरे को आए कूँ। अच्छा बस मैं के वना भीख मंगा लत बढ़वा, इतना तो मेरी हूँ कहीं नहीं सुनता ना, कहीं मेरे नाल तावन करें दे ना कहीं साथ करें दे, मजबूर थी तेरे में टुर पिया। अच्छा आपकी जो टांग का मसला क्या है, असल आपकी टांग का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? टांग का मसला है जो एक सुकरान हड्डी थोड़ी जी है इतना जी इंच दी थी वो नहीं है, तो जब गिट्टा जरें गिट्टे सही नहीं पाते। आपके ऑपरेशन पर अब कितना पैसा लगता है, डॉक्टर ने क्या बताया कितने पैसे लगते हैं आपकी टांग सही होने में? वो 50,000 मंगिया मैं को। अच्छा उसने 50,000 रुपये की डिमांड की? हाँ 50,000 मंगिया अगर लत जोड़ दे समय उन्हें। अच्छा आपका मोबाइल नंबर बताएं, आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है, आप अपना मोबाइल नंबर बताएं जो आपकी मदद करना चाहे वो, ताकि आपके मोबाइल पर रबता कर सके। अच्छा जी 0307-5555-629। दोबारा फिर रिपीट करें 0307-5555-629। आपका शनाख्ती कार्ड दिखाएं जी। हमारे साथ आज मौजूद थे ये बुज़ुर्ग, इसकी स्टोरी आप लोगों ने पूरी दुनिया ने अच्छी तरीके से सुनी है, और इनका कहना है कि हमारा जो भीख मांगने का पेशा ये ख़ानदानी पेशा नहीं है, मैं मजबूर होकर सड़क के किनारे पे बैठा हूँ, और मेरी अगर कोई हेल्प कर दे तो मैं अपनी मजदूरी कर सकूँगा, मेरी टांग का मसला है, डॉक्टर ने मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की है, बराए मेहरबानी कोई मेरी अगर हेल्प करना चाहे तो मेरी टांग का ऑपरेशन करवा दे, ताकि ऑपरेशन होने के बाद मेरी टांग ठीक हो जाए और मैं अपनी मजदूरी कर सकूं, कोई रेडी वगैरह या किसी किस्म की कोई मजदूरी मैं कर सकूं। और मैं अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाई, मैं इसका शनाख्ती कार्ड दिखाता हूं, ये शनाख्त एक मिनट, ये शनाख्ती कार्ड है इनका, ये देखें ये शनाख्ती कार्ड है इनका, और ये देखें ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ का रहशी है, और इनकी कोई अगर मदद करना चाहे, नंबर आपने अंकल जी से अच्छे तरीके से सुन लिया है, और आखिर में नसरुल्ला को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।